जितने भी नीचे स्तर का लोग हैं, जैसे कि एससी एसटी में आ जाते हैं, अति पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको जो है न्याय जो सरकार के घर से मिलते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ महिमा सिंह। तो जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा निगम चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी दी जा रही है और हमारे संवाददाता भी लगातार आप सभी तक हर एक प्रत्याशी की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भी चुनाव के मैदान से पल पल की जानकारी पहुँचा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं विकास कुमार। नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी गई थी लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मतलब प्रतिनिधि जो मेयर और डिप्टी मेयर, नगर परिषद, नगर निगम और या फिर नगर पंचायत चुनाव का फिलहाल घोषणा जो है वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन वार्ड पार्षद में कोई बदलाव नहीं होना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बदलाव की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग अब किस कब इसकी घोषणा करती है, इसकी प्रतीक्षा में सभी उम्मीदवार और जनता एक टकटकी निगाहों से, आशा भरी निगाहों से एक उम्मीद जताए बैठे हैं। हम हैं इसी कड़ी में भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 26 में। हमारे साथ मौजूद हैं निर्मला कुमारी, हैं वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं और उनके भाई हैं हमारे साथ कुमार अभिषेक जी, जो समाज सेवा के कारण इनको सलाखों के पीछे भी इनको जाने की नौबत आई है और योग्य हैं। इनका कहना है कि मेरे अंदर जो समाज सेवा की भावना है, जो मेरे अंदर व्याकुलता है, जो मेरे अंदर व्यग्रता है समाज सेवा की, कितनों लोग मुझे समाज सेवा करने में सलाखों के पीछे षड्यंत्र के तहत अगर भेज भी दें तो मेरा ये कारवां रुकने वाला नहीं है। हम आज वैसे ही समाज सेवी से मुलाकात कर रहे हैं। अभिषेक जी, चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी नीचे स्तर का लोग हैं, जैसे कि एससी एसटी में आ जाते हैं, अति पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको जो है न्याय जो सरकार के घर से मिलते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज के अनुसार जो देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे कि उनको कुछ देखते, जैसे शोषण बोलता है कि हमारा भारत देश आज़ाद है, लेकिन आज़ादी के नाम पर क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को शोषण करता है। क्या शोषण करता है, आप देख लीजिए कि वार्ड नंबर 26 में आज जगह के वजह से यहाँ पे बच्चे लोग का जो स्कूल है, सबसे पहली चीज़ स्कूल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि जो 10 का चीज़ है, जैसे कि मंदिर वगैरह सब, इसके लिए तो जगह वगैरह सब कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन जो होना चाहिए, जो उस लायक जो उस जगह पे हैं, जिनको लगता है कि उनके संघर्ष से यहाँ पे स्कूल हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो करते नहीं। इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका तो इज्जत चल जाएगा, उनका तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा नहीं बच्चा, तो इसलिए वो इस सब पे दिमाग नहीं लगाते हैं। और जिनका बच्चा पढ़ाई करने के लिए जो सरकार के घर से हम लोग के लिए यहाँ पे दिया गया है भार, और जो सब जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, क्यों दिमाग लगाएंगे, क्योंकि उसका तो इमेज घट जाएगा। और रही बात गरीब लोग का, तो उसको तो सुबह घर से निकलेंगे कमाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, फिर आएंगे स्वयं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।